यूनाइटेड किंगडम यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में अगले साल वसंत के मौसम तक कोरोना वायरस के रहने की आशंका जताई गई है। अगर यह भविष्यवाणी सही हुई तो यूके के 79 लाख लोग इस वायरस से प्रभावित होंगे यानी अस्पतालों तक पहुंचेंगे। यह डरावनी जानकारी आई है यूके के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों की बैठक में। एक रिपोर्ट में इस बैठक में हुई बातचीत का खुलासा किया गया। NHS के चीफ ने इस बैठक में ये बात मानी है कि इस वायरस को खत्म होने में अभी 1 साल और लगेगा, क्योंकि कोरोना वायरस के यूके में मौजूद स्ट्रेन ज्यादा बड़े और ताकतवर हो चुके हैं। इन्हें रोकने में यूके की सरकार और प्रशासन को करीब 12 महीने का समय और लगेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूके के अंदर आने वाले सभी देशों के स्वास्थ्य प्रमुखों ने यह बात भी मानी है कि अगले साल 2021 वसंत तक पूरे यूके की 80% आबादी इस वायरस से संक्रमित हो चुकी होगी। ब्रिटेन की सरकार के मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार प्रोफेसर क्रिस विटी ने इस बैठक में स्पष्ट किया कि वसंत 2021 तक पूरे यूके में हर 5 से 4 आदमी को कोरोना वायरस का संक्रमण होगा। बैठक में यह बात जिस दस्तावेज के आधार पर कही गई है उसमें लिखा है कि अगले 12 महीने में यूके की 80% आबादी COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुकी होगी। पूरी आबादी का 15% हिस्सा अस्पतालों में भर्ती हो चुका होगा। इस बैठक के बाद ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए आला अधिकारियों को चेतावनी दे दी गई है। उन सभी से कहा गया है कि देश को बुरी से बुरे हालात में तैयार रहना होगा। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।